हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एमडीएम स्कूल कलाय। एज यू नो, वी आर ऑन सिक्स लेसन ऑफ पब्लिक एड ऑफ इलेवेंथ क्लास। आज हम इलेवेंथ क्लास का पब्लिक एड का सिक्स लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। हम इसके विषय में कल हमने इस लेसन में क्या है जो केंद्रीय गण व्यवस्था के गुण और अवगुण इस विषय में पढ़ा। आज हम क्या है जो विकेंद्रीय गण व्यवस्था के गुण दोष उसके विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। विकेंद्रीय गण व्यवस्था के उपयुक्त अवगुणों के कारण ही आधुनिक युग में प्रशासन में विकेंद्रीय गण का सिद्धांत जोर पकड़ता जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ है केंद्रीय गण के उपयुक्त जो अवगुणों के कारण, जो केंद्रीय गण के अंदर जो अवगुण हैं उनके कारण आधुनिक युग के प्रशासन में विकेंद्रीय गण के सिद्धांत का जोर पड़ता जा रहा है। मतलब जोर पकड़ता जा रहा है, मतलब किसको, मतलब जो प्रशासन के अंदर क्या है, विकेंद्रीय गण व्यवस्था की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। और हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासन में विकेंद्रीय गण के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है हमारे देश के अंदर क्या है, स्वतंत्रता के बाद क्या है, जो विकेंद्रीय गण की व्यवस्था को ज़्यादा प्रोत्साहित यानी बढ़ावा दिया गया है। किसको, प्रशासन के अंदर जो विकेंद्रीय गण के सिद्धांत हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है। प्रजातंत्र में इसका प्रमुख स्थान है। किसका, विकेंद्रीय गण व्यवस्था का क्या है, प्रजातंत्र के अंदर प्रमुख स्थान है। हमारे देश में प्रजातंत्रात्मक विकेंद्रीय गण का सिद्धांत अपनाया गया है। जो हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर क्या है, जो प्रजातंत्र के अंदर क्या है, विकेंद्रीय गण के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाया गया है। और इसी आधार पर स्थानीय संस्थाओं को पुनर्गठित किया गया है। मतलब क्या है, जो विकेंद्रीय के जो केंद्रीय गण के सिद्धांत हैं इन सिद्धांत को अपनाते हुए जो प्रशासन के अंदर क्या है, जो स्थानीय संस्थाओं का पुनर्गठित किया गया है। वास्तव में यह व्यवस्था काफ़ी लाभदायक है। कौन सी, विकेंद्रीय गण व्यवस्था क्या है, काफ़ी लाभदायक है। और विकेंद्रीय गण व्यवस्था के लाभों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। मतलब क्या है, जो विकेंद्रीय गण के गुण हैं, लाभ हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है, लोकप्रिय शासन। विकेंद्रित व्यवस्था में शासन जनता के संपर्क में रहता है। जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, जो विकेंद्रीकृत या विकेंद्रीकरण व्यवस्था है क्या है, उसके अंदर जो शासन है वो जनता के संपर्क में रहता है। लोकतंत्र उतना ही व्यापक एवं वास्तविक होगा जितना व्यापक जन संपर्क होगा। मतलब कहने का अर्थ है लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो लोकतंत्र है वो उतना ही व्यापक यानी बड़े तौर पर वास्तविक होगा जितना, मतलब उसके साथ, लोकतंत्र के साथ जनता का संपर्क होगा। मतलब जितना बड़ा व्यापक जनता का संपर्क होगा उतना ही लोकतंत्र व्यापक एवं वास्तविक होगा। और जनता का प्रशासन में सक्रिय सहयोग होगा। मतलब जो जनता क्या क्या है, जो प्रशासन के अंदर क्या है, भागीदारी होगी सक्रिय। मतलब जनता का सहयोग होगा किसके अंदर, प्रशासन के अंदर। और ऐसी व्यवस्था आम जनता के प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब ऐसी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था है वो जो आम जनता को क्या है, प्रशासन के साथ सहयोग प्राप्त करने के लिए उसको प्रोत्साहित करती है, बढ़ावा देती है। जो आम जनता है जो प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हमारा नेक्स्ट है सिगर निर्णय। विकेंद्रित व्यवस्था में क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीयकृत व्यवस्था के अंदर क्या है, जो कार्य को करने के लिए उसके जो अपने उच्च अधिकारी हैं क्या है, उसे जो प्रधान कार्यालय के जो प्रधान है उनसे क्या है, अनुमति लेनी पड़ती है अपने उच्च अधिकारी से। लेकिन क्या है, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था वो इसके विपरीत है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारियों को क्या है, कोई
अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे केंद्रीय सत्ता में अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे विकेंद्रीकरण व्यवस्था में जो स्थानीय या क्षेत्रीय अधिकारियों को क्या है, अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए वे शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। किसमें? विकेंद्रीयकरण व्यवस्था के अंदर क्या है, शीघ्र निर्णय ले सकते हैं कौन, वो क्षेत्रीय अधिकारी, स्थानीय अधिकारी। और जो केंद्रीयकरण व्यवस्था के अंदर क्या है, केंद्रीयकरण की व्यवस्था के अंदर क्या है, जो उच्च अधिकारी होता है और उच्च अधिकारी के पास सारी शक्तियाँ एकत्रित रहती हैं और उनके विषय के संबंध में उनके पास पे कार्यालय के अंदर सारी सूचनाएं एकत्रित रहती हैं और उस सूचनाओं के आधार पर जो उच्च अधिकारी है वो क्या है, निर्णय लेता है। लेकिन क्या है, विकेंद्रीयकरण में क्या है, विकेंद्रीयकरण में जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं, उनको कोई अनुमति आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, वो क्या है, इसलिए इसलिए उसमें शीघ्र ही निर्णय लिए जा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्रशासन में लचीलापन। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशासकीय कार्यों के संबंध में निर्णय लेने की काफी सीमा तक स्वतंत्रता रहती है। मतलब कहने का अर्थ है, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था है उसके अंदर जो स्थानीय कर्मचारी हैं, अक्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उनको प्रशासकीय कार्यों के संबंध में निर्णय लेने तक, मतलब जो निर्णय लेते हैं काफ़ी सीमा तक उनको क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी अपनी विवेक बल के अनुसार क्या है, अपने अनुभव के अनुसार क्या है, वो स्वतंत्र रहते हैं। मतलब किसी भी कार्य में वो अपना क्या है, निर्णय ले सकते हैं। और स्थानीय संस्थाएं और अधिकारी जिन लोगों के लिए कार्य करते हैं वे उनके अत्यंत निकट होते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, अधिकारी हैं, जिन लोगों के लिए वो कार्य करते हैं वो उनके लिए अधिक निकट रहते हैं और इसलिए उनको पूरी सुविधा रहती है। किसको? जो स्थानीय संस्थाएं हैं और एक जो स्थानीय संस्थाएं के अधिकारी हैं, अक्षेत्रीय के अधिकारी हैं, क्षेत्रीय संस्थाएं के अधिकारी हैं, उनके आपस में क्या है, प्रशासन के अंदर क्या है, वो आपस में एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं, इसलिए उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं और कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार प्रशासकीय कार्यक्रमों के अनुकूल उनको परिवर्तित कर सकें। मतलब जो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो प्रशासकीय कार्य हैं और उन कार्यक्रमों के अनुसार उनमें क्या है, परिवर्तन कर सकें। उनको क्या है, और उनके वो मतलब जिन अधिकारी हैं, जो स्थानीय संस्थाएं के अधिकारी हैं, क्षेत्रीय संस्थाएं संस्थाओं के लोग हैं, उनको क्या अपने कार्य करने में, निर्णय लेने में काफ़ी समय तक, काफ़ी सीमा तक स्वतंत्रता रहती है, इसलिए वो अपनी आवश्यकता अनुसार प्रशासकीय कार्यक्रमों के अनुकूल उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कार्य कुशलता में वृद्धि। इस व्यवस्था में किसी एक अधिकारी के पास कार्यों का ढेर नहीं लगता। मतलब कहने का अर्थ है, जो विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर जो अधिकारी हैं उनके पास अधिक कार्यों का ढेर नहीं लगता, मतलब अधिक ज़्यादा कार्य नहीं होते, मतलब ज़्यादा कार्य का भार नहीं होता और कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके पास ज़्यादा कार्य नहीं होते, इसलिए इनको कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और केंद्रीकृत व्यवस्था की तरह इसमें मुख्य कार्यपालिका के कार्यों से परेशान नहीं होना पड़ता। मतलब जैसे केंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर जो मुख्य कार्यपालिका के कार्यों से जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो क्या है, जो क्या है, उन अधिक ज़्यादा कार्यों से क्या है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन विकेंद्रीकृत व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रकार उसे राहत प्राप्त होती है। जो केंद्रीय व्यवस्था के अंदर जो स्थानीय कर्मचारी हैं, क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उनको क्या, उनके पास ज़्यादा कार्य नहीं होता, ज़्यादा कार्य का भार नहीं होता, इसलिए उनको उनसे क्या है, इससे राहत प्राप्त होती है। और मुख्य कार्यपालिका सिर्फ नीति तथा नियोजन की बड़ी बड़ी समस्याओं पर अपनी शक्तियों को केंद्रित करती है। मतलब कहने का अर्थ है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर जो कार्यपालिका है वो सिर्फ क्या करती है, जो नीति बनाती है और जो नीति बनाने के अनुसार जो नियोजन करते हैं, योजना बनाने के अनुसार जो कार्य करने में जो समस्याएं आती हैं उन पर क्या हुआ, अपनी शक्तियों को केंद्रित करती है कार्यपालिका। इससे प्रशासन में जो कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य कुशलता है, उसमें वृद्धि होती है। किसमें? विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में। अब हमारा क्या है, लाल फीता स्थाई का अभाव। मतलब कहने का अर्थ है, जब शक्ति विकेंद्रित हो जाती है तो प्रशासन के अनेक दोष मिट जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जब शक्ति को विकेंद्रित
या शक्ति को विकेंद्रीकरण किया जाता है तो जो प्रशासन के अंदर क्या है, अनेक दोष हैं वो मिट जाते हैं और कार्य की देरी, लाल फीकाशाही आदि समाप्त हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है जो लाल फीकाशाही है मतलब वो क्या होती है, मतलब लाल फीकाशाही किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या है, जो सरकारी कार्यालयों में नियमों के नाम पर कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर जनता के कामों में की जाने वाली देरी को क्या कहते हैं, लाल फीता शाही कहते हैं। मतलब वह तंत्र जिसे मानने के तरीके से उपेक्षा करते हुए कोई कार्य यानी क्या है समय पर पूरा नहीं या आवश्यकता से अधिक समय लेने वाली प्रणाली, मतलब जनता के कार्यों को देरी से करना, उसको क्या कहते हैं, लाल फीता शाही। और इसमें क्या है जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के अंदर जो लाल फीताशाही है इसके अंदर क्या है, जो इसमें जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो प्रशासन के अंदर जो अनेक दोष होते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण के बाद क्या है वो दोष मिट जाते हैं और जो कार्यों में देरी लगती है वो जो लाल फीताशाही है जो कार्यों में देरी लगती है वो भी आय समाप्त हो जाती है तथा कार्रवाई को क्या है प्रोत्साहन मिलता है यानी बढ़ावा मिलता है। ये तो हमने क्या थे जो हमारे विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के गुण हैं उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के दोष है उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है प्रशासन में एक रूपता का अभाव, जो भी कहने का आता है जो कोई भी मतलब जो संगठन है उसके अंदर गुणों के साथ क्या है उनके अवगुण भी होते हैं, इसलिए जो विकेंद्रीकरण के अवगुण हैं हम उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा हेडिंग है प्रशासन के अंदर जो एकता होती है उसका अभाव। जो भी विकेंद्रीकरण प्रणाली में शासन की एकरूपता नहीं पाई जाती, मतलब जो विकेंद्रीकरण की प्रणाली है शासन में क्या उनमें एकता नहीं पाई जाती, एकरूपता नहीं पाई जाती, यदि केंद्र सामान्य नीति निर्धारक कर देता है, जो केंद्रीकृत प्रणाली है उसके अंदर क्या है जो सामान्य नीति निर्धारित कर देता है लेकिन विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के अधिकारी अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था के अंदर जो प्रशासन में एकरूपता का जो अभाव है उसमें क्या जो केंद्र है जो केंद्र सरकार है उसके अंदर क्या है जो सामान्य नीति निर्धारित कर देता है, जो मतलब आम होती उसके अंदर जो सामान्य नीति को निर्धारित कर देता है लेकिन क्या जो विभिन्न क्षेत्रों के जो अधिकारी हैं अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन या संशोधन कर देते हैं। कौन जो स्थानीय क्षेत्रों के अधिकारी हैं मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं, इसके कारण केंद्र एवं स्थानीय स्तर पर शासन की नीतियों में क्या है भिन्नता आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जो केंद्र है वो तो सामान्य नीति निर्धारण करता है लेकिन जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो क्या है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर देते हैं, इसलिए जो केंद्र और स्थानीय प्रशासन है उनके अंदर जो नीतियाँ हैं उनमें भिन्नता आ जाती है, इसलिए शासन में एकरूपता का अभाव है। अपव्यय विकेंद्रीकरण प्रणाली में केंद्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जो अलग अलग कर्मचारियों के संसाधनों एवं कार्यालय इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ता है। मतलब अपव्यय मतलब क्या है जो हम शासन की विकेंद्रीकरण प्रणाली के अंदर क्या है उसके जो मतलब विकेंद्रीकरण प्रणाली के अंदर केंद्रीय एवं स्थानीय स्तर पर अलग अलग कर्मचारी, मतलब कहने का अर्थ है केंद्र प्रशासन के स्तर पर और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर जो अलग अलग कर्मचारी होते हैं उनके संसाधनों एवं कार्यालय इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके लिए मतलब अनावश्यक मतलब ज़्यादा आर्थिक बोझ पड़ता है यानी ज़्यादा अपव्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है और इसके अंदर जो क्या है जो धन संबंधी मतलब ज़्यादा खर्च होता है किसके अंदर, मतलब क्योंकि एक तो केंद्र के स्तर पर प्रशासन के स्तर पर एक स्थानीय प्रशासन के स्तर पर जो अलग अलग कर्मचारी हैं उनके लिए क्या है अलग अलग संसाधन और कार्यालयों की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए अनावश्यक मतलब ज़्यादा तौर पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। अब हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित की अवहेलना। शासन की विकेंद्रीकरण प्रणाली में स्थानीय या अक्षेत्रीय अधिकारी राष्ट्रीय हित की अपेक्षा भी करते हैं। मतलब कहने का था जो शासन की विकेंद्रीकरण प्रणाली में जो स्थानीय या अक्षेत्रीय अधिकारी हैं उनके राष्ट्रीय हित की उपेक्षा भी
कर सकते हैं और वे स्थानीय समस्याओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनकी दृष्टि संकुच हो जाती है। मतलब कहने का आता है जो शासन के अंदर जो विकेंद्रीय प्रणाली में जो स्थानीय या क्षेत्रीय अधिकारी होते हैं वो क्या है राष्ट्रीय हित की उपेक्षा भी करते हैं, मतलब राष्ट्रीय हित के बारे में नहीं सोचते। मतलब वे जो अपनी स्थानीय समस्याएं हैं उनमें इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनमें इतने उलझ जाते हैं कि उनकी दृष्टि संकुच हो जाती है। मतलब किस पर उनकी दृष्टि, किस पर जो स्थानीय समस्याएं हैं उनमें वो व्यस्त रहते हैं और उनके जो मस्तिष्क में बड़ी बातें नहीं आ पाती किसके लिए, जो राष्ट्रीय हित के लिए, और वे क्या है अपने राष्ट्रीय हित पर ध्यान नहीं दे पाते किसके कारण, जो अपनी क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं पर में ही व्यस्त रहते हैं, उन समस्याओं को ही दूर करने में लगे रहते हैं और इन समस्याओं के, स्थानीय समस्याओं के निवारण के कारण क्या है वो राष्ट्रीय हित की ओर क्या है ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए क्या है विकेंद्रीकरण व्यवस्था में राष्ट्रीय हित की अवहेलना होती है। अब हमारा नेक्स्ट है केंद्रीय नियंत्रण का अभाव। विकेंद्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय कर्मचारियों में स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मतलब कहने का अर्थ है जो विकेंद्रीकरण प्रणाली में जो क्षेत्रीय स्थानीय कार्यालयों के जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं क्या है उनमें स्वेच्छाचारी मतलब अपनी मर्जी से स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। फलत क्या है केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण कम हो जाता है उन पर। क्या है जो केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो केंद्र सत्ता है वो क्या है जो सामान्य नीति निर्धारण करती है, फिर जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उस नीति में परिवर्तन कर देते हैं और उसके कारण जो केंद्र सरकार है जो स्थानीय सरकार है उनकी आपस में भिन्नता हो जाती है। इसलिए क्या है केंद्रीय सत्ता का उन पर नियंत्रण कम हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है स्थानीय राजनीति का कुप्रभाव। विकेंद्रीय प्रणाली में क्षेत्रीय या स्थानीय कार्यालयों पर स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। मतलब कहने का अर्थ है जो विकेंद्रीकरण प्रणाली में जो क्षेत्रीय या स्थानीय कार्यालयों पर क्या है जो स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव पड़ जाता है क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं और जो केंद्र के द्वारा जो सामान्य नीति है उस नीति में क्या है वो परिवर्तन कर देते हैं और इसलिए क्या है जिसमें सीमित में भ्रष्टाचार और अकुशल की वृद्धि होती है। मतलब कहने का अर्थ है जो भ्रष्टाचार है और कुशल अकुशलता में क्या उसमें वृद्धि होती है कि इसमें स्थानीय राजनीति में। अब हमने ये तो क्या था जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था के दोष हैं उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है जो मतलब हमने जो पूरा लेसन पढ़ा है उस पूरे लेसन का क्या निष्कर्ष निकला, मतलब जो केंद्रीयकरण व्यवस्था है विकेंद्रीकरण व्यवस्था है उसका क्या निष्कर्ष है। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के गुण दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि हर बात इस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना है। मतलब कहने का अर्थ है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के जो गुण और दोषों में जो तुलना का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि मतलब किस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना है और कैसा काम करना है। हर काम के लिए हर परिस्थिति में एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं अपनाई जा सकती। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण में से किसी को भी निरपेक्ष रूप से संगठन का अच्छा सिद्धांत नहीं माना जा सकता। हर एक के संबंध में प्रत्यक्ष परिस्थितियों को देखकर निर्णय किया जाना चाहिए। मतलब जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार क्या निर्णय किया जाना चाहिए। वालेस का कथन है कि इन दोनों में किसी भी स्थिति को साबित नहीं किया जा सकता कि इनमें से कोई भी अच्छी या बुरी नहीं की जा सकती। केंद्रीयकरण व्यवस्था और विकेंद्रीकरण व्यवस्था जब तक कि उन संगठनों के वातावरण संबंधी तत्वों को ध्यान में नहीं रखा जाता जिनमें उनको लागू किया जाना है। और डेविड क्रूमैन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में किसी भी प्रशासकीय संगठन में इन दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियों अथवा पद्धतियों के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। कौन सी पद्धति, वो केंद्रीयकरण व्यवस्था और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। और
वास्तव में इन दोनों ही पद्धतियों को साध्य नहीं समझना चाहिए, वरना इन्हें कुशल प्रशासन के उद्देश्य की प्रगति का साधन मात्र मानना चाहिए। कुशल प्रशासन के लिए किसी भी प्रशासकीय संगठन में ये दोनों प्रवृत्तियां इस अनुपात में अपनाई जानी चाहिए जिससे उसमें अकुशलता की मात्रा न्यूनतम की जा सके। मतलब प्रशासन के अंदर क्या है, जो कार्य करने की जो अक्षमता है, मतलब वो कम होनी चाहिए, मतलब कुशल प्रशासन होना चाहिए। आज हमारा सिक्स लेसन क्या है कंप्लीट हो चुका है, और जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।